किरण डायरीज को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज को देखने के लिए और इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अचार की रेसिपी। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट करौंदे और हरी मिर्च का अचार। नॉर्मली अचार बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि अचार बनाने का प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है और खाने के लिए काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन ये इंस्टेंट अचार आप सिर्फ 5 से 7 मिनट में रेडी कर सकते हैं एंड खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं इसकी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अचार सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, इसलिए आप इसको इसी तेल में बनाएं। इसको थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसको हम तेल में भून लेते हैं और जब हींग में से थोड़ी महक आने लग जाए तभी हम इसमें हमारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हींग में से महक आने लग गई है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना और 1 टीस्पून के करीब सौंफ, 1/2 टीस्पून के करीब राई और 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी। इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है और अगर आप हाई फ्लेम पे इसे भूनते हैं तो ये जल्दी जल जाएगा और इसका टेस्ट अचार में अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इनको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जिसको मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। आप छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। फिर हमारे करौंदे हमने इसमें डाल दिए हैं, इसको भी मैंने बीच में से कट कर लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये अचार बनाएंगे हम। अब इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि जो करौंदे हैं और जो हरी मिर्च हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो करीब 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, जो हमारे करौंदे और हरी मिर्च है बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो गए हैं करौंदे काफ़ी। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हुए हैं ये। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आपको और तीखा करना है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मिर्च तीखी होती है तो आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ और 1/2 नींबू का रस एक और चटपटा टेस्ट के लिए। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और अभी ये अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको आप सर्व कर सकते हैं ठंडा होने पर। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में करीब 1 वीक तक। तो ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाता है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 7 से 10 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बर्नी है अगर आपके पास इस तरह की, उसमें आप रख सकते हैं या फिर किसी भी स्टील के लंच बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये इंस्टेंट अचार आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। कभी ऐसा होता है कि हमें सब्जी या दाल में टेस्ट नहीं आता है, तो ऐसे अचार के साथ आप नॉर्मल सब्जी दाल खाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।